नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। मध्य प्रदेश में भू अभिलेख को डिजिटल करने का काम गड़बड़ी का शिकार हो गया है। शिवराज सिंह की सरकार ने किसानों को निशुल्क खसरा देने का ये काम अपात्र कंपनी को दिया है। यह जानकारी विचार मध्य प्रदेश के विजयवाने विनायक परिहार ने आज एक प्रेस वार्ता में दी। विचार मध्य प्रदेश कोर कमेटी सदस्य विनायक परिहार ने बताया कि आयुक्त भू अभिलेख ने फरवरी 2013 में ई गवर्नेंस लिमिटेड नामक ऐसी कंपनी से अनुबंध किया जिसका पंजीयन केवल 4 दिन पुराना है और इस कंपनी को व्यापार की अनुमति अनुबंध के 20 दिनों बाद मिली। टेंडर की शर्तों के अनुसार अनुबंधित कंपनी के पास 3 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए था, जो इस कंपनी के पास अभी नहीं है। टेंडर की शर्तों के अनुसार टेंडर इवैल्यूएशन कमेटी से अनुमोदन होगा आवश्यक था, लेकिन टेंडर इवैल्यूएशन कमेटी की बैठक किए बिना ही यह कार्य ई गवर्नेंस कंपनी को दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार इन शिकायतों की जांच छुटपुट स्तर पर करा रही, जबकि एक बहुत बड़ा मामला है और इस मामले के तह में एक प्राइवेट कंपनी है जिसको PPP मोड पे सरकार ने काम दिया, भोपाल ई गवर्नेंस कंपनी। इस कंपनी को जिस दिन काम दिया गया उस दिन कंपनी की उम्र मात्र 4 दिन थी। कंपनी का पंजीयन 15 फरवरी 2013 को हुआ और इस कंपनी के साथ करार 19 फरवरी 2013 को ही कर लिया गया, जबकि इस कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मार्च 2013 में जाके मिली। कंपनी के पास जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मापदंड जो टेंडर में ही मेंशन है और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन कहती है कि जैसे CMM सर्टिफिकेट, CMMI सर्टिफिकेट, PCCMI सर्टिफिकेट, ISO 9001 सर्टिफिकेट, ये कोई भी इस कंपनी के पास नहीं थे। कंपनी के पास अपना खुद का कोई प्रशिक्षित कार्य दल नहीं था। कंपनी का जिस समय टेंडर हुआ 0 turnover था। 2016 तक कंपनी घाटे में चल रही थी। कंपनी ने पहली अपॉइंटमेंट जो कंपनी को 342 तहसीलों का काम मिला था उसमें किसी भी तहसील में इन्हें 2016 तक कार्यदल अपॉइंट नहीं किया था। ऐसी कंपनी में अनेक प्रकार की खामियां हैं। इस तरह से फर्जी कंपनी को लाभ पहुंचाने का काम हो रहा है, जो किसानों के साथ धोखा है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।